हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थ्रेडाइस्ट में। मेरे बगल में जो आप ये मशीन देख रहे हो, ये एक 3D प्रिंटर है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक 3D प्रिंटर है। जो आप अपने घर में एक प्रिंटर देखते थे पहले, वो एक 2D प्रिंटर होता है जिसमें कि आप पेपर पे फ्लैट प्रिंटिंग कर पाते हो। लेकिन ये मशीन एक 3D प्रिंटर है जिसमें कोई भी आप 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, 3D मॉडल्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जैसे कि आप देखो, ये एक मॉडल है जो कि मैंने इस 3D प्रिंटर में मैन्युफैक्चर किया हुआ है, इस 3D प्रिंटर में बनाया हुआ है। ये प्लास्टिक का पार्ट है और अभी आप देख सकते हो मेरे 3D प्रिंटर में एक मटेरियल जो है ऑलरेडी लोडेड है। 3D प्रिंटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल होता है। मैंने इस कंप्लीट 3D प्रिंटिंग के मैकेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में जो मटेरियल फीडिंग का पूरा सेटअप है, मैंने उसे रखा है, और दूसरी कैटेगरी में जो मूवमेंट्स और जो भी कंट्रोल्स होती है उसको मैंने रखा है। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी की अगर बात करें, जो मटेरियल फीडिंग का सिस्टम है, तो उसे मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो हमारा मटेरियल खुद होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक फिलामेंट ऑफ स्पूल यहाँ पे ऑलरेडी लोड कर रखा है, जो कि एक PLA फिलामेंट है। तो मार्केट में ऑलरेडी कई सारे डिफरेंट मटेरियल्स भी मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जो मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज़ होता है वो PLA ही होता है। इसके अलावा हमारे पास और ढेरों सारे ऑप्शंस हैं, लाइक ABS होता है, PETG प्लास्टिक्स होती है, या फिर फ्लेक्सिबल मटेरियल में निंजा फ्लेक्स होता है। तो बहुत सारे मटेरियल ऑप्शंस हैं, आप जाके अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने इसमें PLA मटेरियल को फीड कर रखा है, PLA फिलामेंट के स्पूल को लोड कर रखा है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट मटेरियल फीडिंग के सिस्टम में ये हमारा फिलामेंट आ जाता है। नेक्स्ट आता है जो फिलामेंट है वो हम एक्सट्रूडर में फीड करते हैं। तो एक्सट्रूडर 3D प्रिंटर का यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरे एक्सट्रूडर सेटअप में एक एक्सट्रूडर होता है और एक स्टेपर मोटर होती है। स्टेपर मोटर के जो शाफ्ट होती है उस पर एक गियर लगा होता है, जो कि एक्सट्रूडर के कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रेशर इफेक्ट से मटेरियल को फॉरवर्ड की तरफ पुश करता है। और वो जो मटेरियल है इस वाइट ट्यूब में आ जाती है, जो वाइट ट्यूब को हम PTFE ट्यूब या फिर टेफ्लॉन ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब से होते हुए मटेरियल हमारे इस जो सेटअप है, हॉट एंड का सेटअप है, इस पे जाता है। इस कंप्लीट हॉट एंड सेटअप के अंदर कई सारे पोर्शंस और कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा हीट सिंक होता है, उसके बाद हीट ब्रेक होती है, एंड देन नोजल होता है। तो हीट ब्रेक में हमारा जो है हीटिंग कॉइल या हीटिंग एलिमेंट है वो लगा होता है, एंड वहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर भी होता है जिससे हम जो हॉट एंड का या नोजल का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस पूरे सेटअप में जो मटेरियल फीडिंग का सिस्टम है उसमें बस इतना ही होता है। यहाँ से हमारी मटेरियल फीड होती है और वो नोजल के थ्रू मेल्ट होके धीरे धीरे जो उसमें होल होता है, जो मोस्ट कॉमनली नोजल का होल साइजेस होता है वो 0.4 मिलीमीटर्स होता है, वहाँ से मटेरियल्स बाहर निकलती है और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट करती है। तो फीडिंग मैकेनिज्म में बेसिकली यही होता है। एंड जो सेकेंड कैटेगरी है 3D प्रिंटर में, वो होता है इसका मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स में गाइस थ्री एक्सिस होती है। फर्स्ट है हमारा एक्स एक्सिस, आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस की मूवमेंट हो रही है। देन हमारा होता है वाई एक्सिस, जो बेड होता है नीचे का, हम इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। आप ये देख सकते हो वाई एक्सिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रही है, वेयर इज एक्स एक्सिस हमारी लेफ्ट एंड राइट मूव कर रही थी। एंड देन हमारा होता है जी एक्सिस, तो आप ये देख सकते हो जी एक्सिस जो है हमारा टॉप एंड डाउन मूव करता है। तो इस तरह से इन तीनों एक्सिस की कॉम्बिनेशन से हम किसी भी शेप को प्रिंट कर पाते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को प्रिंट कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सिस मूव कर रही है, ऑल थ्री एक्सिस मूव कर रही है, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो। तो इसके लिए जो हमारा तीनों एक्सिस में, ऑल थ्री एक्सिस में स्टेपर मोटर लगा होता है जिससे मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं, और उन स्टेपर मोटर्स का जो कनेक्शन है हमारे मदरबोर्ड में जाता है। जो 3D प्रिंटर में एक मदरबोर्ड होता है जहाँ जिसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, उस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही हम ऑल थ्री एक्सिस के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स या डिज़ाइन बना पाते हैं। साथ में हमें अपने 3D प्रिंटर में एक इंटरफेस भी मिल जाता है, एक स्क्रीन मिल जाती है जहां से हम सारे इनपुट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी स्क्रीन से हम बाकी सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप 3D मॉडल्स कहाँ से लेके आएंगे। तो अगर आपको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और एज STL फाइल फॉर्मेट उस डिज़ाइन फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप फ्री में जो डिज़ाइन है वो डाउनलोड कर सकते हो। बहुत से क्रिएटर्स हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों क्रिएटर्स हैं जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन फाइल्स बनाते हैं और उसे फ्री में वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं।
मैंने कुछ वेबसाइट्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है वो thingiverse.com है, उसके बाद printables.com है, makerworld.com है, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आप इंटरनेट पर अगर सर्च करोगे फ्री 3D मॉडल STL फाइल्स, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगी। जब आपके पास STL फाइल आ जाती है तो आप उसको डायरेक्टली 3D प्रिंटर्स में अपलोड नहीं कर सकते हो, बिकॉज 3D प्रिंटर STL फाइल को रीड नहीं कर पाता है। 3D प्रिंटर्स बस जी कोड को रीड कर सकता है, एंड जी कोड प्रिपेयर करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उस सॉफ्टवेयर को हम स्लाइसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो क्यूरा नाम का एक स्लाइसर सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लो। आप कोई भी 3D मॉडल फाइल क्रिएट करते हो, .stl फाइल क्रिएट करते हो, तो इस सॉफ्टवेयर में ला के आप उसका जो जी कोड प्रिपेयर कर सकते हो, एंड उस जी कोड को आप अपने 3D प्रिंटर में अपलोड कर दो और 3D प्रिंटर इस तरह के डिजाइंस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे 3D प्रिंटर काम करता है, कैसे एक्सिस मूव करती है और कैसे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए पास लाता रहूँगा। एंड गाइज, ये 3D प्रिंटर मेरा नहीं है, ये 3D प्रिंटर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई थी, तो मैंने इसे रिपेयर किया एंड इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी। इसके पीछे जो आप 3D प्रिंटर देख रहे हो वो मेरी 3D प्रिंटर है, डेल्टा 3D प्रिंटर है, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो आगे अपने इस चैनल पर लाऊंगा, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के जो 3D प्रिंटर हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।